नमस्कार, मैं हूं अनीता और स्वागत करती हूं आप सबका JJN न्यूज़ में। आज 15 सितंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। नेशनल इंजीनियर्स डे महान इंजीनियर भारत रत्न मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में भी नेशनल इंजीनियर्स डे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। यहां उपस्थित सभी वक्ताओं ने मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, साथ ही आज के परिपेक्ष में इंजीनियर्स की जरूरत को भी बताया है। साथ ही आने वाले छात्रों से इस क्षेत्र में किस तरह से उन्नति करें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक नगर आयुक्त विजय चौहान रहे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हल्द्वानी में किस तरह से मनाया गया इंजीनियर्स डे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में, जहां पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। जैसे कि आज पूरे भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है, और आज उसी क्रम में हल्द्वानी के नगर निगम के सभागार में राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री आर के शर्मा जी। और ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो ये किस तरह से आप आज के डे को लेते हैं? सर्वप्रथम मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया भारत रत्न भारतीय इंजीनियरिंग इतिहास में अपने आप में एक मील का पत्थर है। आज का अभियंता दिवस मनाने का सबसे बड़ा जो कारण, मोटिव और जो प्रेरणा रही, वो ये रही कि इंजीनियरिंग की जो हमारी एजुकेशन है, उसका राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार का रोल हो सकता है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कि हर साल लाखों लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं, और इसके बाद हमारी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन के बाद जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी है, आज हमारी एम्प्लॉयबिलिटी 3% करीब रह गई है। कोरोना काल से पहले, आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें, तो 7% हमारी एम्प्लॉयबिलिटी थी, यानी कि रोज़गार देने की क्षमता। परंतु एक दुख की बात यह है कि कोरोना काल के बाद आज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 3% रह गई। तो 3% एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के पास अगर प्रायिकता रहती है अपने रोज़गार को पाने की, तो वो उसके लिए एक चुनौती है। आज का हमारा जो सेशन ऑर्गेनाइज करने का, आयोजन करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उसमें भावी उम्मीदवार हैं, जो इंजीनियरिंग एजुकेशन प्राप्त करके एक उसको करियर के रूप में एक ऑप्शन लेना चाह रहे थे और एक करियर ऑप्शन के रूप में अपना फ्यूचर बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, तो उनको हमें ये मोटिवेट करना था कि आप अपनी सिर्फ इंजीनियरिंग एजुकेशन ही नहीं, अपने स्किल्स को, अपने आप एम्प्लॉयबिलिटी को, अपने प्रैक्टिकल एटीट्यूड को, और ग्राउंड रियलिटी पर जितने भी आपके स्किल के सेक्टर हैं, उस पर आपको जोर देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा आज का मोटिव इसी बात पर था, और फोकस भी इसी बात पर था, जिसमें हमारे यहाँ बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स, प्रखर वक्ता आज यहाँ उपस्थित हैं, जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों से हैं, विभिन्न इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में टीचिंग लर्निंग से एक्सपीरियंस हासिल किया है। तो ऐसे लोगों का आज एक ये कॉन्क्लेव है। तो ये सिर्फ इंजीनियर्स डे की औपचारिक रूप से मनाया जाना नहीं है, ये एक मंथन का एक कॉन्क्लेव है। इसको आप एक मंथन का, एक चिंतन का शिविर कह सकते हैं, जिसमें कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज जैसे राष्ट्रीय अभियंता दिवस है, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हल्द्वानी के सहायक नगर आयुक्त श्री विजय चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN। थैंक यू सर। आज यहाँ पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जा रहा है, इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है, और आप एक सहायक अभियंता है नगर निगम के, तो कितना ज़रूरी हो जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में एक इंजीनियर? ये देखिए, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में ये बहुत अत्यावश्यक है कि हम अपने पूर्वजों से, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकें। और आज का दिन इसी दिशा में हमको अंदर से जगाने का दिन है। हम डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के का आज जन्मदिन भी है, उनके जन्मदिन पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनकी शिक्षा को, उनके दृष्टिकोण को आत्मसात करें। इसीलिए आज का दिन अति महत्वपूर्ण है, और मैं अपने आयोजकों को, सबको बधाई देता हूँ कि इसी तरह हम इस जन्मदिन को और इस इंजीनियर डे को
और बृहद स्तर पर मनाने का कार्य करें ताकि हम अपने इन पूर्वजों के जो उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। इसी दिशा में हम राष्ट्र के निर्माण को और अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। तो इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सिन्हा जी, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के हैं। तो सर, आज यहाँ पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जा रहा है हल्द्वानी में, और आप एक शिक्षक भी हैं, तो किस तरह से लेते हैं आज के दिन को आप? देखिए, मैं मूलतः तो भारतीय सूचना सेवा का एक अधिकारी हूँ, लेकिन मैं अखबारों में लिखता रहता हूँ फिजिक्स पर, और समय समय पर पढ़ाता भी रहता हूँ। तो इस नाते इससे मेरा व्यक्तिगत और डिपार्टमेंटल लगाव इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मैंडेट मिला कि हम इंजीनियर्स डे मनाएं। इसका आज का थीम हमारा है कि राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरिंग की क्या भूमिका होती है। और इस पर जो हमारे पास पैनल है, बहुत ही अच्छे पैनल हैं, उत्तराखंड में इनका सबका नाम है। हम बहुत आभारी हैं इनके, इन्होंने समय दिया, और जिसकी वजह से लोगों के बीच में तकनीकी शिक्षा के महत्व का प्रसारण होगा। और उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने जीवन में तकनीकी शिक्षा, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे ना हो, उसे उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हल्द्वानी में इस तरह से मनाया गया इंजीनियर्स डे, और आप सभी इंजीनियर्स को जेजेएन की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी इंजीनियर्स डे। और इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।